इससे पहले कि मजीद कुछ कर बैठूं, शादी हो जानी चाहिए। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब देर किस बात की। आप जब कहें मैं आपकी कोकब से मुलाकात तय करवा दूँ, और ये मेरा दावा है कि वो आपको हरगिज़ इनकार नहीं कर। इससे अच्छा रिश्ता सारे शहर में भी ढूंढेंगी ना कोका बहन, तो मिलेगा नहीं। चराग लेके भी ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा। बस बिस्मिल्ला करें, बहुत अच्छा रिश्ता है। पहले एक रिश्ता मेरे पास है, मेरी बेटी की बात चल रही है, बहुत ऊंचे घर के लोग हैं। तो क्या हो गया, अगर एक बेटी की बात चल रही है तो दूसरी की बात यहाँ चला लो, उसे भी तो बिहाना है ना। बिस्मिल्ला करो, दोनों बेटियां एक साथ रुखसत हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्किस बहन, थोड़ा सा तो वक्त दो सोचने के। अरे बहन, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिला करते, खाते पीते घर आने का रिश्ता है, बस बिस्मिल्ला करें। मेरी एक शर्त है, पहले मैं उनका घर देखूंगी और ये देखूंगी कि खाते पीते लोग हैं, अच्छा खानदान है, फिर उसके बाद मैं अपने घर आने दूंगी उन्हें। लो जी, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं फट से आपकी उनकी मुलाकात करा देती हूँ, आप झट से रिश्ता तय कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बिस्मिल्ला करके। जी बिस्मिल्ला करके। ये आप बिस्किट तो लो, ये लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब जब आप बात समझ गई हैं तो इंशाल्लाह। अब तक जो कुछ भी होता रहा वो और बात थी, मगर अब ये दोनों घर वालों को ही डसने लगे। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे जो तुम मुझसे इतना खफा हो गई हो, बताओ ना। ज्यादा मासूम बनने का ढोंग मत करो पापा। तुम्हारी असल हकीकत क्या है मैं जान चुकी हूँ, और मजीद तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकती अब, समझी? लेकिन मुझे भी तो पता चले कैसा क्या कर दिया है मैंने, और तुम क्या जान गई हो? क्या कहा तुमने, क्या कर दिया है? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना गुलवान, सब कुछ तुम दोनों माँ बेटे की वजह से ही हो रहा है। देखो आफिया, जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है, कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं रही मुझे, अब सारी गलत फहमियां दूर हो चुकी, जान चुकी हूँ मैं असलियत तुम दोनों की। आशर को तुम दोनों ने गायब करवाया, तुम दोनों ही असल मुजरिम हो। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकती हो? मैं आशर को क्यों गायब करूंगी, वो शोहर है मेरे, हम माँ बेटे ने कुछ ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि मैं अपना जब्त तोड़ दूं, तुम चली जाओ यहां से, बस गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। तुम यहां खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? तमाशा हो रहा है यहां, जाओ यहां से। आपकी चाय थकान उतार देती है। अच्छा आरम का फोन आया था आज, वो मिलना चाह रहा है आपसे। ये तो बहुत खुशी की खबर है,
आप उसको घर बुलवा लेते? हाँ, मैंने कहा था उससे कि भाई घर आ जाओ, लेकिन वो बाहर मिलना चाहता है ताकि अकेले में कुछ बात कर सके आपसे। तो क्या उसके घर वाले भी उसके साथ होंगे? नहीं, अभी तो वो अकेले में ही मिलना चाह रहा है। तो वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसे मामला तो घर वालों को बता के ही तय होते हैं ना। भाई, ये सब कुछ तो आप उससे मिलकर खुद ही पूछ लिए, हो सकता है कि बाद में घर वालों को साथ लेकर। हो सकता है, तो ठीक है, आप उससे मिलने का वक्त तय कर लें। आप जब कहेंगे मैं हरम से जाकर मिल लूंगी। आपको हरम ने मिलने के लिए बुलाया? क्यों रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? छोटी बेगम साहिबा ने पता नहीं क्यों इतने सख्त लहजे में आपसे ये बात कहती। हालांकि मैं तो जानती हूँ आप और मीराब साहब तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। आफिया ने इतनी बड़ी बात कह के मुझे तो जीते जी मार दिया, भला मैं आशिर को कैसे? ये आप ना भी बताएं तो सब जानते हैं इस घर में आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सारी जिंदगी मैंने बहुत सहा, बहुत बर्दाश्त किया है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आफिया इस तरह मेरे बारे में सोचेगी। मैं समझ सकती हूँ बेगम साहिबा, मुझे सुनकर इतना दुख हो रहा है तो आप पे क्या कयामत गुजर रही हो? सारी जिंदगी आशिर हम माँ बेटे के लिए ढाल बने रहे और वो आज नहीं है तो सब लोग हमारे दुश्मन बने हुए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मत रोए माँ जी, हिम्मत रखें, पीए माँ जी थोड़ा सा तो पानी पिए। अम्मी? हम्म। आपको हमने क्यों बुलाया? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, अब उससे मिलकर ही पता चलेगा ना। फिर भी कोई हिंट तो दी होगी, किसी हवाले से तस्करा किया होगा कि क्यों बुला रहे? नहीं, बस ये पैगाम भिजवाया है कि कुछ जरूरी बात करनी है। आप उसके घर पे मिलने जाएंगी? नहीं, उसने कहीं बाहर बुलाया मुझे। पता है, मैं जानती हूँ आपको क्यों बुला रही। क्या जानती हो? कुछ नहीं, कल आप मिलेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। इधर देखो, तुम जानती क्या हो, कहना क्या चाह रही हो मुझे बता। तुम्हें मेरी कसम है अम्मी, वो अरहम। क्या अरहम, बताओ ना। अरहम मुझे पसंद करते हैं। और मुझसे शादी करना चाहते हैं। सुनो, अल्लाह आपने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अरहम मेरा दामाद बने और
آپ نے میری خواہش پوری کر دی. میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بسما بسما رہنے دو بس. ماں بیٹے کا تو میں وہ حشر کروں گی جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا. ایسی جگہ لے جا کر ماروں گی نا, پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. آپ کا مطلب ہے کہ آپ گلبانو کو سزا تو میں اسے دے کر ہی رہوں گی. یہ نفرت اب ایسا قہر بن کر ٹوٹے گی اس پر کہ وہ بچ نہیں سکے گی. بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. اس گھر میں آتے ہی مجھے گلبانو کو یہاں سے دفع کر دینا چاہیے تھا, لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا. مزید کوئی غلطی نہیں کروں گی میں. اگر ان ہاتھوں کی لکیروں میں اس کی موت ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہم نے کیوں بلایا؟ نہیں بس یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے. پھر میں تمہیں چھوڑ ہی دیتا, وہ تو یہ بہت پہلے جانا چاہیے تھا, مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی. تھک گیا ہوں میں کمپرومائز کر کر کے. اب مجھ سے نا یہ مزید کمپرومائز نہیں ہوتا. ماہی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اب تم اس لمٹ کو کراس کر رہی ہو. پانی تو اور کیا, جب تک تم باہر تھی سکون تھا تو مجھے کہتے ہیں. سب ٹھیک ہو جائے گا. شادی کے بعد میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا. پھر تمہارے اور میرے گھر والوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. چاہے جیسی بھی سچویشن ہو, میں ہمیشہ تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا. تمہیں مجھ پر یقین ہے, میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا یقین کبھی نہیں ٹوٹے گا. میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی چاہا ہے. تم اگر شادی کی بات نہ بھی کرتے تو میں خود ہی کر دیتی. بس آنٹی, میں بھی بہت پہلے کر لیتا, بس مناسب وقت کا انتظار تھا. تو ابھی کون سی دیر ہوئی ہے بیٹا, اب ویسے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کی مرضی بھی تو اتنی ہی اہم ہے جتنی میری خواہش. میری طرف سے ایک مرتبہ نہیں, سو مرتبہ ہاں ہے. میری بیٹی تمہارا بہت خیال رکھے گی, ہمیشہ تم دونوں خوش رہو گے. میں بھی آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. دنیا کی ہر خوشی, ہر آسائش اس کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا. تو بیٹا دیر کس بات کی ہے, اپنے گھر والوں کو بھیجو تاکہ شادی کی تاریخ طے کر دیں. آنٹی شادی میں نے ہی طے کرنی ہے, آپ بس یہ بتائیں کہ میں کب آؤں بسما کو لینے. بسما سے؟ جی جی بسما کو. آپ بتائیں نا میں کب آؤں تاریخ لینے کے لیے.
लेकिन मैं तो समझ रही हूँ कि तुम इरस से शादी करना चाहते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने आई थी। यहाँ इरज से? पर मैं तो विस्मा को पसंद करती हूँ। देखो बेटा, इरज जो है ना विस्मा से ज्यादा समझदार है, और तुम्हारा जोड़ तो इरज के साथ बनता है, विस्मा से नहीं। देखिए आंटी, मैं और इरज सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, बस आपका बाकी है। देखिए ना आंटी, दोनों आप ही की तो बेटियां हैं, आपको तो मेरे इस फैसले से खुश होना चाहिए। हाँ, बजाय खुशी खुशी हाँ करने के, अब तो मुझे मेरा ही फैसला बदलने को कह रही हैं। हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी बिस्मा से नहीं इरज से हो। मगर मेरी पसंद बिस्मा है और यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मेरी तरफ से साफ इनकार। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे पहले ही शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने सब कुछ हथियाने के लिए आशिर को रास्ते से ही हटा दिया। भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है जमशेद भाई। इन माँ बेटे ने सब कुछ हथियाने के लिए ही किया है। समझ नहीं आ रहा आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात का। अगर एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान भी लूं, तो क्या सबूत है आपके पास इस बात का? सबूत? सबूत भी मिल जाएगा। आप इन माँ बेटे को जेल में डलवाएं, बुलवाएं पुलिस को। जेल में दो दिन रहेंगे ना, खुद ब खुद सारा सच उगल देंगे, और मैं गवाही दूंगी इनके खिलाफ। आप बुलाएं तो। भाभी, अगर पुलिस आ भी गई तो शक की बिना पर जेल में नहीं डाल सकती। उल्टा आप ही की बदनामी, लोग हंसेंगे आप पर। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गलत फहमी नहीं है, यकीन है मुझे। ये सब कुछ इन माँ बेटे ने जायदाद हथियाने के लिए किया है। जमशेद भाई, आशिर आप पर कितना यकीन करते थे, हमेशा आपको अपने बड़े भाई की तरह समझा, आपको अपना दोस्त माना। मुझे समझ नहीं आ रहा आप उनके दुश्मनों की साइड क्यों ले रहे हैं आखिर। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मगर जो आप कह रही हैं वो भी काबिल यकीन नहीं है। इस घर की बेहतरी इसी में है कि आप अपना इरादा बदल दें, वरना लोग यही कहेंगे कि आपने जायदाद हासिल करने के लिए गुलबानों और मीराब पर इल्जाम लगाया। बाकी आप खुश समझदार।